भारत वर्सेज पाकिस्तान 14 अक्टूबर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महामुकाबला। रोहित शर्मा ने की अपनी खतरनाक टीम पाकिस्तान के खिलाफ घोषित। पाकिस्तान के खिलाफ किसे मिलेगा मौका, रविचंद्र अश्विन, सादुल ठाकुर, मोहम्मद शमी या फिर और किसी अन्य खिलाड़ी को? वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। यह मैच शनिवार 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों टीम अपने शुरुआती दो दो मैच जीतकर इस मैच के लिए मैदान पर उतरेगी। भारत ने अपने पहले दूसरे मैच में रविचंद्र अश्विन की जगह सादुल ठाकुर को खेलने का मौका दिया था, जबकि क्रिकेट के कई विशेषज्ञों का कहना है कि मोहम्मद शमी को भी मौका देना चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के लिए भारत का प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई है। नंबर 8 की पोजीशन के लिए टीम इंडिया में 3 दावेदार है, रविचंद्र अश्विन, सादुल ठाकुर और मोहम्मद शमी। इन तीनों में से रोहित शर्मा किस खिलाड़ी को मौका देंगे? मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक कुल 3 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 28 ओवर गेंदबाजी की और 107 रन खर्च किए। इस दौरान उन्हें 5 विकेट हासिल करने में कामयाबी मिली, जबकि उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 35 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है। लिहाजा इसका मतलब यह कि शमी को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में ज्यादा अनुभव है, लेकिन अहमदाबाद की पिच के लिए उनके आईपीएल में घरेलू पिच है और आईपीएल 2023 में उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए सबसे ज्यादा 28 विकेट चटका कर पर्पल कैप भी जीता था। लिहाजा शमी को अहमदाबाद की पिच का पूरा अंदाजा है, जो उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना एक कारण बना सकता है। अब बात करें रविचंद्र अश्विन की, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बाउंड्री थोड़ी बड़ी है, इसलिए रोहित शर्मा रविचंद्र अश्विन के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि अश्विन अपने अनुभव के साथ स्पिन गेंदबाजी करके विपक्षी बल्लेबाजों को रन बनाने में रोक सकते हैं। इसके अलावा उपयुक्त तीनों दावेदारों में अश्विन को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का पूरा अंदाजा है, जो उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने में एक अहम कारण बनाता है। इसके अलावा उपयुक्त तीनों दावेदारों में अश्विन को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का सबसे ज्यादा अनुभव भी है और वह बल्लेबाजी में भी टीम की अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। अब बात करें सादुल ठाकुर की, तो सादुल ठाकुर को टीम इंडिया में रखने का मकसद धीमी गति और मिश्रण वाली मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ साथ नंबर 8 पर बल्लेबाजी से थोड़ी मदद करना है। हालांकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी जिस तरह की फॉर्म में है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि टीम को 8 नंबर पर ऑलराउंडर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में मोहम्मद शमी को मौका दिया जा सकता है।